Hello people, how are you all doing? I hope you all are good. So ये मैंने जल्दी जल्दी में छोले भटूरे बनाए थे और बड़े ही स्वाद बने थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बड़ी इजी है, बहुत ही इजी है। और मेरे पास ये छोले भीगे हुए पड़े हुए थे तो मैंने बस उसे फटाफट उबाल लिया और दूसरी तरफ मैंने ये आटा लगा लिया भटूरे के लिए। आटा आप ज़रा थोड़ी देर पहले लगा के रख लें ताकि उसमें अच्छा फर्मेंटेशन हो जाए। उसमें सॉल्ट, बेकिंग सोडा थोड़ी सी, दही डाल लें, और थोड़ा सा ऑयल हम ऐड करेंगे इसमें। आटा ना ज़्यादा नरम लगाना है ना ज़्यादा सख्त लगाना है, नॉर्मल जैसे रोटी का लगाते हैं। और आटे को ना थोड़ी देर हमें वी हैव टू वर्क विद द डो लिटिल बिट ताकि उसमें अच्छा यू नो तो हवा ना उसके अंदर थोड़ी जाए तो अच्छा आटा तैयार हो जाता है। तो उससे जो भटूरे की जाली होती है वो बनती है अच्छे से। तो इस तरह से आप थोड़ा उसे आटे को तैयार करें, लगा के आटा बस ऐसे रख नहीं देना, थोड़ा अच्छे से उसको अपन को ऐसा करना है ताकि अच्छा फर्मेंट हो जाए। बस आटा लगा के आप उसको रख दें। अब हम बनाएंगे छोले। मेरे छोले जैसे मैंने बताया पहले भीगे हुए थे, मैंने बॉईल कर लिए। बस हम लेंगे प्याज, थोड़े खड़े मसाले, जिंजर गार्लिक, टमाटर, खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले के बाद प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमें अच्छे से ब्राउन करना है, प्याज की वजह से ही छोले का कलर आएगा। तो आप अच्छे से प्याज को ब्राउन कर लें, पका लें, हल्का हल्का हिलाते रहें ताकि एक तरफ से ज़्यादा जल ना जाए। जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे, आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं। ये 2 से 3 टमाटर की पेस्ट है, आप वो ऐड कर दें। प्याज आप देख रहे हैं अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है तो लाल मिर्ची मैंने अच्छे से डाल ली है। छोले मसाला, हल्दी, ये मेरे छोले जो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, मैंने इसमें चाय पत्ती वगैरह कुछ नहीं डाली है। आप चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, पर मेरी इस रेसिपी में जो छोले का कलर है वो ऑलरेडी इस ग्रेवी से आ जाएगा तो हमें उतना वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है जो आपने बस जल्दी से बना लेनी है, वो वाली बात है। पर स्वाद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई करिए। छोले डाल के और अच्छे से हमें थोड़े बहुत छोलों को ना हमें ऐसी तरह से पीसना है ताकि एक तो ग्रेवी में थिकनेस आती है और अच्छा उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाती है छोलों की। बस अब आप जब देख रहे हैं कि तेल ऊपर आ गया है तो पानी डाल दें और उसे मिक्स कर दें।
इस वक्त पे आप सॉल्ट और लाल मिर्ची ज़रा टेस्ट कर लें और फिर अपने हिसाब से ऐड कर दें। नाउ वी विल जस्ट लेट इट कुक। थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे कुक होने के लिए और इतनी देर में हम अपने भटूरे बना लेंगे। भटूरा बस हमने नॉर्मली बेला है और अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो जो हमने बेकिंग सोडा डाला है, दही डाला है, उसकी वजह से अच्छी जाली बन जाती है और भटूरे हमारे गोल गोल फूले फूले बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए हमारा भटूरा फूल गया है। हमारा भटूरा जो अगर ना फूले ना तो मूड ही ख़राब हो जाता है कि भटूरे खाने ही नहीं है। तो ज़रूर ये रेसिपी इस तरह से ट्राई करिए और ज़रूर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ये फटाफट बना सकते हैं, ऐसा कुछ वो है नहीं इसमें हेक्टिक कि हमें समय लग रहा है या क्या। बस जब भटूरे बन जाए तो हम इस तरह से हमारी प्लेटिंग कर देंगे। फिर आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आई होप आप सब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसे लगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।